नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज है नहीं पता मुझे, इन्होंने अपनी एग्जैक्ट एज नहीं बताई। सवाल इनके ये थे कि आगे चल के मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंस की स्थिति, बिजनेस में क्या स्कोप रहेगा। जो कुछ मुझे दिखेगा आपके हाथ में, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ कि आपकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत है। भाग्य रेखा में अच्छी खासी मजबूती मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो लगभग 35वें वर्ष में एक भाग्य रेखा में कट लग रहा है, तो इसमें आपको एक फाइनेंशियल लॉस जाएगा, आर्थिक नुकसान। इसके बाद एक भाग्य रेखा यहाँ पर कटी है, ये एज हो गया आपकी 46 वर्ष। इस एज में आपको नुकसान जाने वाला रहेगा। तो ये जो मैंने आपको दो एज बताई, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा बारम्बार कटी हुई है। रेखाओं से आप खुद देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कहीं कट कोई कट नहीं है, यहाँ पर कहीं कोई कट नहीं है, जो कटे के बीच में दो आए हैं, ये और ये, तो ये आपको नुकसान देने वाले रहेंगे। भाग्य रेखा कट गई है तो बिजनेस करने से बचिएगा इस एज में, कहीं इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कहीं नया पैसा लगाने से बचिएगा, उसमें आपको नुकसान होने वाला रहेगा। बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे कि आपके हाथ की जो शुक्रदेव की स्थिति है वह काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर बन रहे हैं, ये रेखाओं के जाले बन रहे हैं। देखिए, जब शुक्र पर इस प्रकार के स्क्वायर बन जाए तो इससे हम बता सकते हैं कि आपको आपके जीवन पारिवारिक समस्या आने वाली रहेंगी। नेगेटिव थिंकिंग होना, बेफिजूल की चिंताएं करना, चिंता मुक्त तो ना रह पाना, पारिवारिक समस्याएं होना, मित्रों रिश्तेदारों व्यक्ति के संबंध में दिक्कत आना, ये समस्या आपको अपने पारिवारिक जीवन में रहने वाली है, सांसारिक सुख में भी कमी देता है कहीं ना कहीं, जब ऐसा शुक्रवार किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। बाकी ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है मेरे को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी यूज करना, ब्रांडेड प्रोडक्ट पहनना, ऐसी व्यक्ति की इच्छा देखिए, इच्छा के लिए काफ़ी मेहनत करता है और एक समय पर आता है सारी इच्छाओं को पूर्ण भी करने वाला होता है, जिसे आपके इसमें रहने वाली रहेगी। बाकी यहाँ पर आएंगे सेकंड लाइन पर, तो आड़ी रेखा मौजूद है। जब ये आड़ी रेखा मौजूद होती है तो इससे हम बता सकते हैं कि आपको आपके जीवन में लॉजिक के साथ बात रखना अच्छा रहेगा, और एक तर्क वितर्क शक्ति आपकी काफ़ी मजबूत रहेगी। अंगूठा घूम गया तो फ्रेंडली नेचर दिखाता है, नेचर काफ़ी फ्रेंडली होता है। ये मणिबंध मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये कपड़ा आ गया है। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे, गुरु का क्षेत्र काफ़ी उभरा हुआ है, देखिए गुरु का क्षेत्र बहुत मजबूत है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर का साइन भी है। देखिए ये, देखिए यहाँ पर ये क्रॉस का साइन भी है। जब गुरु के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन होता है तो इससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्योदय लाइफ पार्टनर के द्वारा पूरा सपोर्ट, अच्छा भाग्योदय, अच्छा व्यक्ति के जिसमें तालमेल, और उनके भाग्य से आप बड़ा पैसा कमाने वाले रहेंगे। ये सफल वैवाहिक जीवन होने के निशान हाथ में मौजूद हैं आपके हाथ में। शनि पर इतना हल्का सा गड्ढा पड़ गया है, जब शनि पर गड्ढा पड़ जाए तो व्यक्ति के जिसमें जो संघर्ष आता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो शनिदेव की 7.5 ढैया में आती है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, आपकी इसमें दिक्कत परेशानी आएगी वो आपको शनिदेव की 7.5 ढैया में आएगी। तो चेक कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल ऐप आते हैं, उस पर चेक कर लीजिएगा कि शनिदेव की 7.5 ढैया आपके जीवन कब आएगी, उसमें आपको थोड़ा सावधान रहना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है शनि के क्षेत्र पर। जब शनि के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो इससे हम बता सकते हैं कि आपको आपके जीवन में बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होगी। तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करने में सक्षम रहेंगे, और बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट बुढ़ापे में रहेगा। वाहन पर लिमिटेड पैसा खर्च कीजिएगा। जब लोन और कर्ज आता है तो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानी में पड़ जाता है, समस्या रहेगी। सूर्य के क्षेत्र पर 2 से 3 सूर्य रेखाएं हैं। जब सूर्य के क्षेत्र पर इस प्रकार सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति को अच्छा मान सम्मान मिलता है, अपने जीवन में अच्छी नेम फेम रेस्पेक्ट इज्जत पावर पोजिशन अथॉरिटी मिलती है। बट मान के चलिए 2 सूर्य रेखाएं, तो इससे हम मान के चल सकते हैं कि आपको आपके जीवन में करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। आपको बिजनेस चेंज करने का मन करता रहेगा, और आगे आप इसी को कर भी सकते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में आपकी रेखा द्वारा मुझे साफ साफ दिख रही है। बुध के क्षेत्र पर आएंगे तो बुध के क्षेत्र पर 3 से 4 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब ये रेखा मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मीठी वाणी, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मध्यम सुंदरता पाई जाती है, और व्यक्ति के जीवन में आप मान के चलेगा कि बिजनेस सेंस बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति बिजनेस को अच्छे तरीके से करने में सक्षम होता है, बिजनेस सेंस, बिजनेस को समझने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। तो बिजनेस के लिए आपका काफ़ी अनुकूल मैं देख पा रहा हूँ, ये चीज़ रहेगी। और देखिए, बुध से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति एक लीडर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो बड़ा बिजनेस बनाने के योग हैं आपके हाथ में, तो बड़ा बिजनेस बना सकते हैं आप अगर मेहनत करें तो। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपके हाथ में धनुष का रेखा बन गई है। व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर आपका जो भारी मंगल है, भारी मंगल बहुत मजबूत है। जब इस प्रकार का भारी मंगल होता है तो इससे हम पहचान सकते हैं कि आपको आपके जीवन में भारी मंगल के द्वारा बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती, जितना व्यक्ति स्ट्रगल करेगा, चुनौतियों को फेस करेगा, संघर्ष करेगा, उतना ही जीवन भाग्योदय होता है। परमात्मा की अच्छी कृपा रहती है। प्रेशर हैंडलिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मजबूत होती है।
जब भी अजनबी से मिलते हैं सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, ये चीज है कि आप कहते हैं। इसके साथ साथ देखिए, तो कार के भारी मंगल आपको जीवन में एक संकट से जूझने की, संकट से लड़ने की जो शक्ति होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करने में सक्षम रहते हैं। इस तरह के पूर्ण लोग आपके आदमी मुझे आपकी रेखा द्वारा दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। भारी मंगल आपके बहुत मजबूत है, गुप्त शत्रु कोर्ट कचहरी से हानि के कोई योग नहीं दिख रहे हैं मेरे को आपके हाथ में। देखिए चंद्र पर क्रॉस, ये अच्छा नहीं होता, व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग देता है, व्यक्ति का मन बहुत भटकता है, और ध्यान ना लगना, कॉन्सेंट्रेशन ना बैठ पाना, ध्यान ज्यादा भटकना, स्त्री जाति के साथ संबंधों में कमी आना, बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव। सबसे पहले देखिए, जिस व्यक्ति के चंद्र पर क्रॉस होता है ऐसे व्यक्ति को गहरे पानी, बहते पानी बस नहीं जाना चाहिए। जो भी लोग डूबते हैं या डूब के बच जाते हैं उनके हाथ में एक क्रॉस पाया जाता है, वो भी इसी जगह पर। तो आपको मैं एडवाइस दूंगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूंगा, कभी भी किसी नदी तालाब के किनारे नहाने धोने कुछ भी करने जाए तो गहरे पानी में मत जाइएगा, गहरे पानी से आपको खतरा होने वाला रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो भी नहाने धोने कुछ भी करने जाए, पिकनिक मनाने, समुद्र किनारे भी, तो जो करना है किनारे पर खड़े होकर कर ले, नहाना धोना किनारे पर ही नहा लें और तुरंत गहरे पानी से साइड हो जाए, गहरे पानी में जाने की कोशिश ना करें। ये चीज रहेगी, इस चीज को आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। बाकी मन भटकना, ध्यान भटकना, इसी चीज जो पाते हैं आपको देने वाला रहूंगा। चंद्र पर अच्छा नहीं होता है, ये पानी से खतरा दिखाता है। जो आपकी पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, जब ये उंगली यहाँ तक पहुंच जाए इसका मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति आपकी काफी मजबूत है, मनी मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, पैसे का इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाते हैं। जितना पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे उतना बचाने में बचा उतना उसे बचा नहीं पाएंगे, बट मान के चलिएगा कि इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। आपको अपने बैंक में इमरजेंसी लायक पैसा रखना चाहिए, उसके ऊपर का जो भी बड़ा पैसा है उसे बैंक में न रखकर उसे सोने चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसे गोल्ड बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, SIP, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इन जगह इन्वेस्ट कीजिए, आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको चीज़ में नहीं आने वाली रहेगी। बाकी आपकी जो सूर्य की उंगली है हल्की सी बढ़ी जा रही है, जब सूर्य की उंगली बढ़ी जाती है इससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति रिस्की नेचर का रहेगा, जहाँ जहाँ रिस्क लेना होगा वहाँ रिस्क लेंगे और रिस्क लेके जीवन में अच्छा मान सम्मान कमाने वाले रहेंगे, रिस्क से आपके जीवन में फायदा है। कोई दिक्कत वाली बात रिस्क रिलेटेड मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखेंगे रेखा मजबूत है, हृदय रेखा काफी मजबूत है, थोड़ा तो इमोशनल हर्ट दे रही है, तो कभी भी किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि आप उसमें दिक्कत परेशानी में पड़ने वाले रहेंगे, मार खा जाएंगे ओवर एक्सपेक्टेशन से। मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा। हृदय रेखा पहुंचे डायरेक्ट गुरु पर्वत तक, जब हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुंचे तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय चैरिटी के द्वारा होता है और दान दक्षिणा के द्वारा व्यक्ति का भाग्योदय होता है। चैरिटी में सबसे मिलता है अन्नदान, जितना लोगों को खाना खिलाएंगे, अपने से खाना पहुंचाएंगे लोगों को, उतना आपको खुद को लाभ मिलने वाला रहेगा। अगर आपकी मस्तिष्क पर आएंगे, देखिए मस्तिष्क में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मस्तिष्क यहाँ पर आकर रुक गई है, ये देखिए यहाँ पर मस्तिष्क नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये पूरी मस्तिष्क हो, ये बीच में से टूटी है, देखिए यहाँ पर आकर इसने एक साथ रुकावट ली है, या तो ऐसा होता है पतली होती चली जाती है, एक साथ खत्म होती, ये एक साथ डार्क थी, एक साथ ही रुक चुकी है। मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, दिमागी स्तर में दिक्कत आपके जीवन में आने वाली रहेगी, आपके साथ फ्रॉड स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी दिमागी स्तर पर जितना उतना नहीं सोच पाता जितना सोचना चाहिए, मस्तिष्क रेखा में प्रॉब्लम दिख रही है आपके हाथ में। तो मस्तिष्क लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, कम से कम यहाँ तक तो पहुंच जाए, इसके मैं आपको उपाय देने वाला रहूंगा, मस्तिष्क छोटी अच्छी नहीं होती है। जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा आपके हाथ में काफी मजबूत है, 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जब जीवन रेखा पर ये रेखा मौजूद होती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जीवन में प्रॉपर ग्रोथ करता है, अच्छा बिजनेस बनाता है, अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, अच्छी सेंसिबिलिटी होती है और बारंबार ग्रोथ करता है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि आपकी भाग्य रेखा कट रही है, ऐसे ही आपकी जीवन रेखा भी कट रही है, ये देखिए यहाँ पर एक कट लगा, एक कट लगा, एक कट लगा, एक कट लगा, इसके बाद कोई कट नहीं है, ऊपर भी कोई कट नहीं है, ऊपर यहाँ छोटे छोटे बचपन कट हैं, ये कोई आपको दिक्कत नहीं देने वाले रहेंगे, ये आपको दिक्कत देंगे, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि जीवन रेखा आपकी सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, जीवन रेखा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, एक बार को इसमें कट लग जाए, एक बार को इसमें कट लग जाए, ये रुक जाए, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर जीवन रेखा कटने लगे, देख पा रहे हैं जीवन रेखा प्रॉपर जैसे चाकू की तरह निशान मार दो ऐसे कट जा रहे हैं, ये कट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ये कट आपको हेल्थ प्रॉब्लम देने वाले रहेंगे। देखिए जीवन में रुकावट होती है, जैसे जीवन रेखा कटी है तो जीवन में रुकावट आती है, कम से कम 6-7 महीने की रुकावट आएगी, वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम देने वाली रहेगी, स्वास्थ्य की समस्या देने वाली रहेगी, फैमिली इश्यूज और फाइनेंशियल दिक्कत, पैसे का नुकसान ये रेखा देने वाली रहती है। ये राहु रेखा है और कुछ नहीं है, ये आपको परेशानी देंगी, इसके उपाय करने पर लाभ मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैं आपको उपाय दूँ आप डेली करें, रेगुलर करें, सबको लाभ मिलने वाला रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली तो आपको चीज़ में नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर आपके हाथ में रेखा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, जो चीज़ें हैं नेगेटिव है मैंने वीडियो में बता दिया है। तो मैंने आपके पाम का इंच पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ऐसे लोग मिल होंगे। मुझे आपको उपाय किसके दिन देंगे, मुझे आपको उपाय दिन देंगे आड़ी रेखाओं के, चंद्र पर क्रॉस बहुत ही अच्छा साइन नहीं है, बहुत ही खराब संकेत है, दबे हुए शनि पर्वत के उपाय, रुकी हुई हृदय रेखा और यहाँ पर राहु रेखा,
देखिए, हम डेली काफ़ी लोकल चीज़ करते हैं और समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो अपने एनालिस्ट का रिव्यू आप हमें वीडियो देखने तुरंत बाद लिख दीजिएगा। और ये भी लिख दीजिएगा कि आप मुझे शुक्र पर्वत क्रॉस, राहु रेखा, रुकी रेखी मत्स्यशिका और दबे शनि पर्वत के उपाय दे दीजिए, हम आपको सारे उपाय डेली डिटेल में पहुँचा देंगे। बस आपको लिखना रहेगा, आप लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर तुरंत ही वीडियो देखने के बाद ही कि उपाय पहुँचा दीजिए आप मुझे, और अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आप सेटिस्फाई हैं नहीं है। सेटिस्फाई नहीं है तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बाकी ये वीडियो अपलोड होने के बाद हमेशा चैनल मेरे चैनल पर रहेगी, आप जब चाहें तब इसे देख सकते हैं। लिंक अपना संभाल के रखिएगा, जो आपको लिंक सेंड करूंगा। उसके बाद भी आपकी कोई डाउट हो, कोई रह जाए, तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।